जिला समाज कल्याण विभाग साहिबगंज द्वारा डायन कुप्रथा से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर से उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ जिले के सभी प्रखंडों में घूम घूम कर डायन कुप्रथा उन्मूलन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करेगा। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि आज मुख्यालय से डायन कुप्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रचार रथ रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में देखा जाता है कि असहाय एवं गरीब महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें डायन बताकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसी कुप्रथा को समाप्त करना बेहद आवश्यक है एवं ऐसी कुप्रथाओं के प्रति गरीब असहाय महिलाएं जो आवाज नहीं उठा सकती हैं उनको सुरक्षा देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि समाज में लिप्त ऐसी कुरीतियों के प्रति हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। साथ ही उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर आपसी सहयोग एवं जागरूकता से इस बुराई को नष्ट करने में सरकार का साथ दे। डायन प्रथा निषेध अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए आज जागरूकता रथ जिला मुख्यालय से निकाला गया है। आप सभी को पता होगा जो गरीब असहाय जो बूढ़ी लेडीज होती है समाज में, उनको गांव समाज के लोग अपने किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के चलते या किसी अन्य कारण के चलते या किसी ट्रेडिशनल जो सोच है उसके चलते कभी कभी डायन बताकर उस पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। कभी कभी तो उस मामलों में उनको मार भी दिया जाता है। तो उन्हीं सब कुरूतियों को, उन्हीं सब सोच को समाज से हटाने के लिए और उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उन महिलाओं को जो गरीब असहाय होती है और मैक्सिमम जो मामले हैं उनमें बूढ़ी औरतें होती हैं, उनके सुरक्षा के लिए ये अधिनियम आया है। उसी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ हम लोग पूरे जिले में निकाला।